हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मंडप डालने का काम चालू है, क्योंकि आज हमारे घर में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टीड़ा। मराठी में टीड़ा बोलते हैं। टीड़ा मतलब ऐसे जो होता है ना, टीका लगाते हैं उसे टीड़ा बोलते हैं। ये है वैभव की शादी के लिए। वैभव की शादी फिक्स हो चुकी है, तो आज उसका फर्स्ट प्रोग्राम है टीड़ा का हमारे यहाँ पे, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैभव बैठा हुआ है यहाँ पे। वैभव से हाय। एकदम तैयारी जोरों शोरों से चालू है। सुनील उठ जा। सुनील उठो। अपनी ज्वाइनिंग किट में मिला हुआ ओचा, चाय का मसाला है, मिंट है, इसको डालना है। ये देखो हमारे दादाजी चश्मा वश्मा लगा के, और चश्मा भी कैसा लगा है देखो, एक बाजू से टूट चुका है। दादाजी के ना आंखों का ना ऑपरेशन हो चुका है, मतलब कुछ दिन पहले हुआ है। उनको चश्मा लगाने को बोला है तो दादाजी एक दिन है ना चश्मा लगा के सो गए और ना वो टूट गए फिर। तो अभी इनको फिर से जाना है हॉस्पिटल और नया वाला बना के लाना है। तो ये देखो मैंगोज, और इन मैंगोज की खास बात ये है, ये हमारे घर के मैंगोज है। जो हमारा पेड़ नहीं था मैंगो का पायल, जिसको हम खाते नहीं थे, उतने खट्टे थे। खट्टे बोल के किसी ने खाए नहीं, और जब ये पक गए भाई इतने मीठे है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। इसकी खुशबू भी इतनी सही है ना, और ये नेचुरली पका है हमारी मम्मी ने, एक नंबर। अभी इसको ही खाएंगे हम। सुबह सुबह चाय कौन चाह दे सर। खाना बनाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। ये देखो मूंगफली कूटी जा रही है। दादाजी का चश्मा देखो। ये देखो भाई मंडप लग चुका है। फूल देखो ना भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। तो नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में आज है पोहे, और यहाँ पे मंडप लग चुका है, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों जब भी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उसके बाद पहली रस्म होती है यहाँ पे, मतलब बिना टीड़ा लगाने का प्रोग्राम जो मैंने बताया, तो वो होने वाला है वैभव का आज। तो लड़की वाले इधर आएंगे और फिर लड़के वाले उधर जाएंगे, ऐसा होगा। और यहाँ पे ये देखो रंगोली निकालने का काम चालू है। हाँ परी तो दोस्तों यहाँ पे देखो हम जामुन तोड़ रहे हैं। समर सीजन खत्म होने को आया है ना, तो सारे जामुन पक गए, गिर जाएगा नीचे धीरे धीरे। तो सब तैयारी चल रही है, अभी खाना वाना बनाने का काम चल रहा है, मेहमान आ रहे हैं। जो लड़की वाले हैं वो आने में थोड़ा टाइम है, वो लेट आएंगे, वो उनका घर ज़्यादा दूर है ना, तो वो लोग आते आते टाइम हो जाएगा, तब तक हम लोग ही है घर पर। और यहाँ पे जो रंगोली वगैरह बनाने का भी काम चालू है, मांडव लगाने का काम चालू है, इसे मांडव बोलते हैं मराठी में, टेंट। और यहाँ पे खाना बनाने का काम चालू है, और सब लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं सब ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है काम। ए जामुन खाए छे का नहीं तोड़ ले मीठ से खड़ू। गाड़ी पार्क करने के लिए जगह लगेगी ना, खेतों में ये पत्थर वगैरह है ना उसको प्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारे गाड़ी के नीचे सो गए, इनको कोई लेना देना नहीं है। और मम्मी जी इधर बैठे हुए सब देख रहे हैं। इसमें है रबड़ी, तो इसको ठंडा करने के लिए बर्फ डाल रहे हैं इसके आजू बाजू। पान बनाने की तैयारी चल रही है, ऊपर पान खाते हैं ना हम लोग, वो बना रहे हैं लोग, तो वो देखने के लिए जा रहा हूँ।
मंडप लगा दिया यहाँ पे, वहाँ पे खाना बनने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए, उधर खाना खाने के लिए। चलो भाई आज तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा ऐसा चलता रहा तो। और यहाँ पे देखो बॉटल्स में पानी है, ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए। डालो डालो मक्खन डालो। दोस्तों ये सारा खाना स्वप्निल कैटरर्स सर्विस ने बनाया है, आप लोग भी ऑर्डर दे सकते हो। दोस्तों टेस्ट करके देखते रबड़ी, हमारे घर के अभी अच्छा ही बोलेंगे। सही बनी एकदम। बैठो सब लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम फिलहाल एक मैंगो खा के फिर बाहर चले जाएंगे। हमें एक ड्रोन खरीदना चाहिए यार ब्लॉगिंग के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। और अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, चैनल ग्रो होने के बाद करेंगे। तो दोस्तों अपन रेडी हो चुके हैं, अभी सिर्फ मेहमान आने की देरी है। क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, हमारे जो हमारे साइड के रिलेटिव है वो लोग आ रहे हैं अभी अभी। फोटो सेशन दादाजी के साथ। दादाजी को मेरा चश्मा पहना दिया है मैंने अभी, अच्छा वाला। ये वाले आ गए लगता है, ये रहे उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे जादव फैमिली। देख लो दोस्तों कैसे प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ पे। राम राम। वैभव की पूजा वगैरह तो हो चुकी है, अभी नए कपड़े पहन के फिर एक बार पूजा। चले गए जैसे कपड़े, बारिश का मौसम हो चुका है, सब चीजें जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है। के वाले जो मेहमान है उनको फेटा पहनाया जाएगा अभी, उनका आदर सत्कार किया जाएगा हमारे घर। सबसे पहला लड़के को पहनाया जाएगा। जो फेटा बांधते हैं ना भाई, इन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी मतलब फेटा पहना है इनके हाथों से। वैभव कैसा लग रहा है, कंफर्म हो गया अभी शादी? क्या बताओ ऑप्शंस खत्म, अभी एक ऑफर फाइनल हो गया अभी इसकी। नो बैकआउट, अभी ये फाइनल हो गया, अभी आज का टीका मतलब फाइनल फाइनल। ये तो अभी पब्लिक हो गया, अभी ये ऑफिशियल हो गया, अभी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। खाने की व्यवस्था की गई है, तो जो मेहमान लोग हैं उनका तो शुरू हो चुका है भाई ऑलरेडी। गांव में सभी लोग है ना खुद से हेल्प करते हैं, दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं होती। गांव के बच्चे जो नौजवान होते हैं वो सब लोग हेल्प करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा गांव में कैसे प्रोग्राम होते हैं, तो आपको पता होगा हिंदू धर्म में शादी मतलब दो दिलों का नहीं होता है, दो घरों का रिश्ता होता है। तो मतलब दो फैमिलीज एक दूसरे से मिलती है, यूनाइट होती है, तो इससे क्या होता है कि दो फैमिलीज के बीच में नो बॉन्डिंग भी बननी चाहिए, तो वही चीज़ होती है। इसलिए इतने सारे आप बोल सकते हो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, लड़के के तरफ से लड़की के तरफ से आना जाना होता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, तो फिर ये बॉन्डिंग बढ़ती है दो फैमिलीज के बीच में। तो एक शादी मतलब यही होता है ना, दो घर कनेक्ट होते हैं, इसके लिए ये छोटे छोटे फंक्शंस रखने पड़ते हैं। तो आज का जो फंक्शन था इसका मतलब क्या था कि अब तक है ना लड़कियाँ देखने का प्रोग्राम चल रहा था कि कोई लड़की पसंद आती है, तो अब फाइनल हो चुका है। वैभव को एक लड़की पसंद आ गई है, तो उसकी शादी अभी उससे होने वाली है। तो वो एक क्या बोलते हैं अब थप्पा लग जाता है कि आज से हाँ भाई अभी वैभव बुक हो चुका है, अभी दूसरी कोई लड़की वगैरह नहीं देखने वाला है वो, या फिर वो लड़की वाले भी अभी कन्फर्म हो जाता है कि दोनों की शादी होने वाली है। तो एक ऑफिशियल तरीका होता है, इतने लोगों को बुलाते हैं फिर वो अनाउंस होता है वो सब चीज़ें, तो आप समझ सकते हो क्या होती है चीज़ें। ये लास्ट वाली पंगत चालू है अभी, इन लोगों को होने के बाद सब खत्म। लड़के वाले जा रहे हैं अपने घर, उनको सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं हमारे पापा चाचा लोग। मेरा भी खाना हो चुका है, पहले ही मैंने खाना खा लिया है, और अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना, तो थोड़ा सा ना वो ज़्यादा ही हवा चल रही है। मंडप छोड़ने का काम चालू हो गया भाई। भाई ये देखो
दूल्हे राजा को क्या क्या काम करने पड़ते हैं गांव में। सब काम होने के बाद बहुत कचरा हो गया, ये सब साफ करना पड़ेगा हमें। घर पे कार्यक्रम रखने का यही नुकसान है। कार्यक्रम करो और निकलो, काम करो फिर। बारिश शुरू हो गई है, अच्छा हुआ हमारा सब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि सारी खेती के काम रुके हुए थे। भागो, बारिश आ गई, भागो। दोस्तों एकदम खतरनाक सी बारिश शुरू हो चुकी है, अच्छा हुआ सब प्रोग्राम फिनिश हो गया, उसके बाद बारिश आ रही है। खतरनाक सी बारिश हो रही है। चारों तरफ पानी पानी हो रखा है एकदम, ये देख लो। जो कि अच्छी बात है, इस साल है ना बारिश का सीजन ऑलरेडी लेट हो चुका था। तेज हो रही बारिश का फायदा उठाने के लिए सुनील जा रहा है गाड़ी पहुंचने के लिए। हमारी गाड़ी उधर खड़ी है ना मोना के घर पे, और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए। संतोष को घर जाना था, घर जाने के टाइम पे बारिश आ गई, देख सकते हो। हाँ अब इसको निकाल देंगे इधर से। आज वजन नहीं किया। तो दोस्तों फाइनली फंक्शन वगैरह सब खत्म हो चुका था और हम लोगों का खाना वाना होके अभी हम लोग सोने के लिए आ चुके हैं। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स सो मच।